सतना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा, नाबालिग का अपहरण कर 62,000 में बेचा, खरीदार ने शादी रचा कर किया शोषण, महिला समेत 4 गिरफ्तार। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नाबालिग का अपहरण कर उसे भोपाल ले जाकर बेचने और कच्ची उम्र में शादी कराकर शारीरिक शोषण का शिकार बनाने के सनसनीखेज मामले का सतना पुलिस ने खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 3.5 महीने बाद नाबालिग को मुक्त कराते हुए महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रामनगर थाना क्षेत्र से 15 जून 2023 को लापता हुई एक 15 वर्षीय लड़की को सतना पुलिस ने भोपाल में दबिश देकर मुक्त कराया है। पीड़िता के बयान के बाद इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में राजू मेवाड़ा पिता मनोहर सिंह मेवाड़ा उम्र 29 वर्ष, मीता रावत पति राजू मेवाड़ा उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी खजूरी सड़क फंदा कला थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल, सुनील गौर पिता रामरतन पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी कचनारिया थाना श्यामपुर जिला सीहोर एवं भूरी बाई कौल पति शिवदास कौल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम झिरिया थाना रामनगर जिला सतना शामिल है। इनके कब्जे से एक सेंट्रो कार MP04V4161B जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 366 का 376 2G 370 120B 34 भादवी 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनगर TI संतोष तिवारी ने बताया कि गत 15 जून की शाम राजू मेवाड़ा ने नाबालिग को अगवा कर लिया था। वह उसे लेकर अपनी साली भूरी कौल के घर ग्राम झिरिया पहुंचा, जहां बालिका को 2 दिन तक रखा गया। उसके बाद राजू उसकी पत्नी मीता और साली भूरी बालिका को ऑटो से मेहर ले गए। वहां सुनील गौर भी था। राजू ने अपनी साली और पत्नी को 20,000 रुपए देकर बालिका को सुनील गौर के साथ भोपाल ले जाने के लिए कहा। महिलाएं नाबालिग को लेकर भोपाल पहुंची, जहां सुनील ने राजू को 40,000 रुपए और दिए। भोपाल में सुनील ने नाबालिग के साथ जबरन शादी की और फिर उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। जांच और बयान के आधार पर TI ने बताया कि इस मामले में कुल 62,000 रुपए का लेन देन किया गया। इसमें से 22,000 रुपए मीता और भूरी को मिले, जिनमें से 2,000 रुपए उन्होंने मेहर जाने के लिए ऑटो का भाड़ा दे दिया, जबकि 10,000 रुपए आपस में बांट लिए। इसके अलावा 40,000 रुपए सुनील ने राजू को दिए। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है। आरोपी राजू मेवाड़ा से पूछताछ में पता चला है कि वह इसके अलावा भी कई नाबालिग लड़कियों को शादी कराने के नाम पर इस क्षेत्र से ले गया है, जिनमें से कुछ उसने राजस्थान में भी बेची है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।